हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल ओवर स्टेट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको दोस्तों प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म कर दिया। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा क्लास 10 केमिस्ट्री पहला चैप्टर है दोस्तों, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हम चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें दोस्तों हम पहला पॉइंट बात करेंगे प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश दोस्तों किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा कि कोई भी वस्तु देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, अगर आप हमें देख पा रहे हो अभी, अगर यहाँ पर ये लाइट नहीं रहता, अगर ये लाइट क्या प्रकाश ही तो है, अगर नहीं रहता तो क्या हम आपको दिखते? नहीं दिखते। तो हम बोलेंगे डेफिनेशन इसका कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश समझ में आया? अब दूसरा है दोस्तों प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या बोलेंगे? जिस भी किसी वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे प्रकाश स्रोत बोलेंगे। जैसे मैं बात करूँ, मोमबत्ती की बात करूँ, लालटेन की बात करूँ, चंद्रमा की बात करूँ, सूर्य की बात करूँ, ये सब क्या दोस्तों? ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत है, इनसे प्रकाश निकलती है, तो ये प्रकाश का स्रोत होगा। अब है दोस्तों प्रदीप्त या दीप्तमान। प्रदीप्त या दीप्तमान दोनों एक ही को बोलेंगे। प्रदीप्त किसको बोलेंगे? जो भी वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हो। जैसे मैं बात करूँ, हमारे पास जो लाइट है, तो लाइट क्या कर रही है? जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलता है और वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तभी हमको दिखता है। तो बोलेंगे बल्ब एक क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। अब अप्रदीप्त क्या होगा? सेम होगा, उसका उल्टा होगा। ये इसमें दिखता है, इसमें प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसमें नहीं करेगा, सीधी सी बात है। अब दोस्तों आता है प्रकीर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों। प्रकीर्णन की अगर मैं बात करूँ, अगर सूर्य की किरण सुबह जो उगती है 4 या 5 या 6 बजे, सूर्य की किरण किसी, जैसे सूर्य किरण उगे तो सूर्य का किरण उगते 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 धीरे धीरे फैलता है, तो जैसे फैलता है तो या वायु का कण या धूल का कण अगर उस पर पड़ जाता है, यानी कोई भी कण, जरूरी नहीं है वायु धूल का कण, कोई भी कण अगर उस पर पड़ जाए, जैसे सूर्य का किरण धूल या वायु का कण पर पड़ता है तो क्या करता है? धूल या वायु कण जैसे पड़ा तो वो क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे एब्जॉर्ब करने का वो चारों ओर फैल जाता है, उसको बोलेंगे प्रकीर्णन। अब आता है किरणपुंज क्या बोलेंगे दोस्तों? जैसे कि प्रकाश बहुत सारे निकलते, जैसे लाइट अभी जल रहा है, अगर लाइट जल रहा है, जैसे कि ये सपोज दैट ये लाइट है, समझ लो लाइट है, अब लाइट जलेगा, इसका किरण इधर जाएगा इधर फैलेगा, तभी तो चारों ओर रोशनी होता है ना। तो ये जो किरण आपको इधर उधर फैल रहा है ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों किरण, यानी कि किरण का समूह निकल रहा है, तो बोलेंगे किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, या प्रकाश पुंज बोल सकते हैं। अब आता है दोस्तों पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी यानी कि उसमें पार रहते हैं, कोई भी वस्तु यानी कोई प्रकाश से किरण किसी भी वस्तु से अगर आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी बोलेंगे। जैसे दोस्तों बात करें हवा की, हवा से दोस्तों प्रकाश किरण पार सकती है। हवा, पानी हो गया आपका, कांच हो गया, ये सब क्या है आपका? पारदर्शी पदार्थ। इससे हम, अगर आप यहाँ पानी है उसमें आप फोटो अपना देखोगे तो उसमें आपका फोटो दिखेगा, तो उसे बोलेंगे पारदर्शी है। अब आता है दोस्तों पारभासी। पारभासी क्या है? इसमें प्रकाश किरण आपको हल्का दिखेगा, एकदम हल्का, ज़्यादा नहीं। इससे मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमसे 100 मीटर दूर कोई खड़ा है, क्या? अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमसे 100 मीटर दूर कोई खड़ा है, तो कुहासा में, क्या बोले? कुहासा में, ठंडी का मौसम, कुहासा रहता है, हम यहाँ खड़ा, हमसे 100 मीटर दूर कोई खड़ा है, कुहासा में खड़ा है, तो उसका कुछ बॉडी का पार्ट हमें दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या है? कुहासा क्या है? पारभासी है। कुहासा हो गया, दही, धुआं वगैरह, ये सब क्या है? पारभासी है। मैं आपकी आँख की पुतली की बात करता हूँ। ये आँख की क्या पुतली है? अगर आप सोए हो, लाइट कट गई है, जैसे लाइट आती है तो आपको अनुभव होने लगता है, पुतली जैसे है ना, आपको पता चलेगा हाँ लाइट आ गया, यानी कि कुछ भाग आपको दिख रहा है, तो बोलेंगे आँख की पुतली भी क्या है? पारभासी है। अब आता है दोस्तों अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होगा? जिसके प्रकाश की किरण पार नहीं हो सकते, उसे वस्तु से लकड़ी दीवार वगैरह सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अब हम दोस्तों बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन उसे बोलेंगे दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़े या किसी के वस्तु की सतह पर पड़े, जैसे पड़ा वो किरण वापस उससे लौट जाए, उसी को हम परावर्तन बोलेंगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जैसे हम बोलो, अगर एक बॉल लो, अगर बॉल को आप दीवार पे फेंको तो बॉल क्या वापस लौट जाती है, तो वो क्या हो गया? बॉल का परावर्तन हो गया। तो हमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो जैसे ये किरण किसी वस्तु पर पड़ी, वो किरण वापस उस वस्तु से टकरा कर वापस लौट गई, उसे हम दोस्तों बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों
जो प्रकाश का परावर्तन है, और इसमें कुछ नियम हमें पढ़ना है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे बात करें दोस्तों, एक ले लेते हैं समतल कांच का प्लेट, इस पर रजित कर देते हैं सिल्वर का, ये रजित है दोस्तों, ये रजित कर दिया। अब क्या होगा, कोई किरण किसी माध्यम से ऐसे आ रही है, कोई किरण किसी माध्यम से हवा के माध्यम से आ रही है, हवा के माध्यम से आया और जैसे आए यहाँ एक बिंदु पर आए, एक बिंदु पर आए, ये जो बिंदु पर आए इसको बोलेंगे दोस्तों आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। अब जैसे ही किरण यहाँ से आया तो यहाँ से वापस टकरा के इधर चला जाएगा, यानी कि बोलेंगे रिफ्लेक्ट हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, परावर्तित हो गया। क्या हो गया, परावर्तित। जैसे ये किरण यहाँ से यहाँ समतल कांच प्लेट आया, जैसे यहाँ आया तो यहाँ से टकरा कर इधर चला गया, यानी कि वापस लौट गया, तो इसको बोलेंगे दोस्तों आपतित किरण। और ये इसे यहाँ से टकरा कर इधर जो गया इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। दोस्तों इन दोनों सतहों के बीच एक लंब होता है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं, आपको पता होगा अभिलंब क्या होता है, अभिलंब। अब दोस्तों इन दोनों किरण जो है, ये क्या सतह है, कम समतल कांच का प्लेट का सतह है, जैसे किरण आया इधर चला गया, इन दोनों के बीच क्या आ गया, 90 डिग्री का अभिलंब खड़ा हो जाएगा। जैसे ही अभिलंब होगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अच्छे से दिखेगा आपको, इन दोनों के बीच एक कोण बन जाता है जिसे हम आइस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों आपतन कोण। क्या बोलेंगे दोस्तों, आपतन कोण। इन दोनों के बीच बना, इन दोनों के बीच भी बनेगा, इन दोनों के बीच भी ऐसे बनेगा, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या दोस्तों, परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित करेंगे। तो दोस्तों ये सब खेला हो गया आपका। अब दोस्तों इसमें एक बार फिर से समझते हैं इसको। सबसे पहले एक समतल कांच का प्लेट रहेंगे, कोई किरण हवा के माध्यम से आएगी और एक बिंदु पर पड़ेगा, ये जो बिंदु पर पड़ेगा इसे आपतन बिंदु बोलेंगे। अब जैसे बिंदु पर पड़ा तो यहाँ से ये फिर से टकरा गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ऐसे आया इधर चला गया, ऐसे आया इधर चला गया, तो यहाँ पर जैसे पड़ा तो इधर चला गया, जैसे इधर गया इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित, यानी कि ये परावर्तित हो गया, इसलिए इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। अब इन दोनों सतहों के पीछे क्या अभिलंब होता है, अब ये अभिलंब होता है, अब ये आपतित किरण और अभिलंब दोनों साथ में क्या बनाएंगे, एक कोण बनाएंगे जिसे हम आपतन कोण बोलेंगे, इसे आई से सूचित करते हैं। फिर सेम अभिलंब और परावर्तन कोण जो रिफ्लेक्ट हुआ है ये भी आपस दोनों में कोण बनाएगा जिसे हम परावर्तन कोण बोलेंगे, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये दोस्तों आप समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं परावर्तन के नियम, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछता है परावर्तन के नियम, बोल देगा प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम सहित उसका चर्चा करें। तो प्रकाश के परावर्तन दोस्तों दो नियम होते हैं, पहला है दोस्तों आपतित किरण कमा परावर्तित किरण अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। इसके कहने का मतलब है आपतित किरण, ये दोस्तों क्या है, आपतित किरण जो आया था बाहर के माध्यम से, और ये क्या है परावर्तित किरण जो आया जो रिफ्लेक्ट हो गया, ये क्या है परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है ना एक ही समतल में, आप देख सकते हैं ये भी क्या एक समतल में, ये भी क्या एक समतल में, ये भी क्या एक समतल, यानी कि तीनों एक ही समतल में, ये नीचे भी हो सकता है, मैंने ऊपर लिया है ये नीचे भी हो सकता है, तो ये बोलेंगे ये तीनों क्या है एक ही समतल में है, वही हमें यहाँ लिखना है। और दूसरा नियम है दोस्तों आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बोलेंगे कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कि कोण आई, आई क्या हो गया दोस्तों आपतन कोण और आर क्या हो गया परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो दोस्तों आपको जो एग्जाम में पूछेगा प्रकाश का परावर्तन, ऐसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, आप अगर बोलेगा दोनों नियम लिखिए तो ये दोनों नियम आप लिख दीजिएगा, ऐसे में दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।